يد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. हज़रान गिरामी हमने तक़वे की इस आयत से इस अशरे का आगाज़ किया जिसमें खुदावंद मुताल सूरह आल इमरान में आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो जैसा कि तक़वा इख्तियार करने का हक़ है, हक़ का तुक़ात है। अब वो हक़ क्या है इसको मुझे पेश करना है और उससे पहली और बाद वाली आयत में अल्लाह ने कुछ निशानियाँ बयान की हैं। लफ्ज़ निशानी अरबी में आयत कहलाती है। मैंने कल चंद अल्लाह की निशानियों को पेश किया था, आज उसी को मैं मौजू को जारी रखना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में जगह जगह ये फरमाया है कि अल्लाह ने निशानियाँ भेजी हैं। आज चंद निशानियों का तस्करा करूँगा और जो तकवा वाले हैं, ईमान में और तकवे में फ़र्क है, यानी ईमान पहला मरहला है। यूँ कह लें पहले इंसान इंसान बनता है, फिर मुसलमान बनता है, फिर मोमिन बनता है, फिर मुत्तकी बनता है। ये दर्जात हैं। पहले तो इंसानियत आनी चाहिए। बहुत से लोग यानी वो यही समझ रहे होते हैं कि भाई ये हम जानवर ही हैं, हैवान ही हैं, सिर्फ दो पाँव हैं, उनके चार पाँव होते हैं। नहीं, इंसान इंसान है, वो हैवान है। हैवान और इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क शऊर का है। हमारे पास शऊर है, एहसास है। ऐलान गुमशुदा कभी देखा आपने? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में शायद आपने कभी देखा, एक ऐलान गुमशुदा लिखा जाता है, मिसिंग पर्सन, जैसे कि आदमी मिल नहीं रहा, तो आमतौर से लिख दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे लोग गुम हो जाते हैं। यहाँ तो नहीं गुम होते, यूरोप अमेरिका में बहुत कम है ऐसा आदमी, यानी गुम कम होते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान में लोग अगवा हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो ऐलान गुमशुदा छप जाता है अखबार में। तो किसी ने अखबार में ऐलान गुमशुदा लिखा था का एहसास गुम हो गया। मुझे नहीं मालूम मेरी बातें पहुंच रही नहीं पहुंच रही। एहसास गुम हो गया है। एहसास की माँ मोहब्बत बहुत तड़प रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है, और एहसास के बाप अक्ल को भी उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। उसकी बहन उल्फत भी रो रही है, अगर किसी को एहसास मिले तो घर पहुंचा दे। इंसान में और हैवानों में सबसे बुनियादी फर्क एहसास है, शऊर है। जिसे दर्द महसूस हो वो जिंदा है, मुर्दे को दर्द नहीं होता। अगर दर्द है इसका मतलब है अभी जिंदा है। और जिसे अपना नहीं दूसरे का भी दर्द महसूस हो, समझ लो उसे एहसास है। एहसास इंसानियत की अलामत है। जानवरों में एहसास नहीं होता। एक जानवर के बच्चे को भी मारते, कुछ देर तड़पेगा, उसके बाद फिर वो भूल जाएगा। बहुत कम जानवरों के अंदर इतना एहसास होता है। अभी ये साबित किया है एक बहुत बड़े साइंसदान ने, हिंदुस्तान के बहुत से बड़े कुछ साइंसदान ने जानवरों पे तहकीक की, जिन्होंने हाथी पे तहकीक की है कि हाथी जो है वो मुद्दतों अपने बच्चे को याद रखता है, और बाकायदा जैसे इंसान रोते हैं वो बाकायदा आवाज़ें बुलंद करता है। मैंने खुद ये बाकायदा बरतानिया के सबसे मशहूर टीवी चैनल के ऊपर रेडियो पर इसको सुना है। और बाकायदा वो दफनाता है, यानी बाकायदा मिट्टी डालता है बच्चे के ऊपर। तो बहुत से जानवरों के अंदर भी एहसास होता है, लेकिन इंसान का एहसास अगर जानवरों ही जैसा हो तो इसका मतलब है इंसान में जानवरों में फर्क नहीं है। ये मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं तो अगले मरहले को पेश करना चाह रहा हूं। तो ये एहसास पहली मंजिल जो है वो इंसानियत है, दूसरी फिर इस्लाम है। कुरान करीम में आया था ना, वकालतिल अराब आमन्ना, और ये बद्दू अरब कहते हैं कि हम ईमान ले आए। अल्लाह कहता है, ए मेरे हबीब, इनसे कह दीजिए कि बल कुलू अबल असलमना, अभी तुम ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया। वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। इसका मतलब है मुसलमान होना, इस्लाम पहला मरहला, ईमान बाद का मरहला है। और जब आइम्मा अहले बैत से पूछा गया कि बताइए इस्लाम और ईमान में फ़र्क क्या है, क्या इस्लाम सिर्फ ये कबूल कर लेना कि अल्लाह रसूल है, जब तक हमारी विलायत को नहीं मानोगे तब तक मोमिन नहीं कहलाओगे। तो मोमिन सिर्फ और सिर्फ आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने से इंसान ईमान के दर्जे में दाखिल होता है। मैं जिस मरहले में ले जाना चाह रहा हूँ उसके बाद का मरहला तक़वे का है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो मुत्तकी बनो। इसका मतलब है हर मोमिन मुत्तकी नहीं है। रोज़ा तो नहीं लग रहा हज़रात को, अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा है। आपकी कुवैत में गर्मी मशहूर है यहाँ की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौसम अच्छा है। तो साथ-साथ चलते रहिएगा। तो ईमान के बाद का मरहला तक़वा है। तक़वा यानी, अब मैं इसको पेश करूंगा इंशाल्लाह आगे। चले आज ही सुन लीजिए कि मौला कायनात से पूछा गया, मौला मुत्तकी की तारीफ क्या है? मौला अमीर से पूछा गया, आपने फरमाया अगर कोई आदमी अपने सारे आमाल को, दिन भर के आमाल को देखे और किसी अमल पे शर्मिंदा ना हो तो वो मुत्तकी है। मैंने तो पढ़ दिया है भाई, मोमिन तो आप सब है। मुझसे कोई भी कहेगा कि भाई मोमिन की, आदिल की गवाही कबूल है, मैं आपको देखूंगा, मैं आपकी गवाही कबूल कर लूंगा। आप सब मेरे नजदीक मोमिन भी हैं, आदिल भी हैं, जब तक कि मैं गुनाह ना देखूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जब तक गुनाह ना देखूं हर आदमी आदिल है। मुत्तकी होने का फैसला आप खुद कर लीजिए। तो मौला अमीर को कहा जाता है मौलाए मुत्तकियान। आपसे पूछा मौला मुत्तकी की तारीफ क्या है? 24 घंटे के अपने किसी अमल पे जब आदमी शर्मिंदा ना हो तो मुत्तकी है। जब मुत्तकी का ये दर्जा है तो सोचे मौलाए मुत्तकियान का मकाम क्या होगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं लेकिन आमी इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं सुनते रहिएगा। तो मैंने तकवा मौजू लिया है। हक्का तुकाते, आयात तकवे की बहुत ज्यादा है, लेकिन यह आयत बहुत अजीब और गरीब है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह। अब इस पर बहुत ज़्यादा बहस की गई है। मैंने जो कल शुरू किया था कि निशानियाँ पेश कर रहा हूँ मैं, अब फिर दोबारा मैंने मौजू को फैला दिया बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कल का मौजू मुकम्मल कर लूँ जो मैंने मौला सज्जाद की दुआ का शुरू किया था। ऐसा ना हो कि वो फिर रह जाए आज, ताकि फिर मैं बाज़ औक़ात इंसान जब बहुत ज़्यादा मतालिब तैयार कर लेता हो तो फिर उसको ये होता है कि इसको कहाँ रखना, इसको कहाँ रखना। तो पेश कर रहा हूँ, इसको साथ साथ चलते रहिएगा इसी मोहब्बत से। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने निशानियां भेजी है। खुद इस आयत से पिछली आयत में वकैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह पे कैसे अल्लाह का इनकार कर देते हो। वअंतुम तुतला अलैकुम आयातो, जबकि उसकी निशानियां, उसकी आयत तुम पे तिलावत की जा रही है। तो अल्लाह मुसलसल निशानियां भेजता है। निशानियां अल्लाह की बहुत ज्यादा है और उनमें से एक चांद है जो मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया था कि चांद अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है। एक तो अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, सूरह यासीन की मैंने कल आयत पढ़ी, और खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाजिल फरदा, मैंने सिर्फ दुआ का पहला जुमला कल पेश किया था। मैं पूरी दुआ कोशिश करूंगा कि मैं मुकम्मल करूं आपकी खिदमत में। तो अब मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, देखिए निशानियां, अल्लाह मुसलसल निशानियां भेजता है। यह आयत, एक कुरान की आयत को आयत कहा जाता है, यानी हर आयत अल्लाह की निशानी है, उसका कलाम है। मौला अमीर फरमाते हैं तकल्लमू तौरफो, बोलो पहचाने जाओगे। और अगर अल्लाह बोल रहा हो, उसका कलाम कुरान बनता है। इसीलिए कहा जाता है, उलमा ने कहा है कि जब चाहते हो अल्लाह से कलाम करो तो दुआ पढ़ो, और अगर चाहते हो अल्लाह तुमसे कलाम करे तो कुरान पढ़ो। कुरान अल्लाह का तुमसे कलाम है। और अगर चाहते हो एक ही वक्त में दोनों काम करो तो नमाज पढ़ो। नमाज दुआ भी है, कुरान भी है, अल्लाह से भी कलाम है, अल्लाह का तुमसे भी कलाम है। अल्लाह ने निशानियां भेजी हैं। मैंने कल पेश किया था कि सबसे बड़ी निशानी, मौला अमीर फरमाते हैं अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं हूं। आज चंद निशानियां पेश करूंगा, मैं बहुत सी लेके आया हूं कुरान करीम की आयत भी, लेकिन ये दुआ पहले मैं मुकम्मल कर लूं। अगर ये मुकम्मल नहीं करूंगा तो मुझे कलक रहेगा, गिला रहेगा अपने से कि मैं ये इमाम सज्जाद का कलाम। आप जानते हैं कि हर घर में, मेरा अकीदा यह है कि हर घर में कुरान करीम होना चाहिए, हर घर में नहजुल बलागा होनी चाहिए, हर घर में सहीफा सज्जादिया होने चाहिए। मेरी आवाज सब लोगों को साफ आ रही? अभी मैंने ऊपर की तो उसकी आवाज थोड़ी सी बदल गई है, बेहतर हो गई शायद। अज़ान गिरामी, सहीफा सज्जादिया घर घर में होनी चाहिए। क्यों? नहजुल बलागा से भी ज्यादा सनत के हिसाब से मोतबर सहीफा सज्जादिया। क्योंकि नहजुल बलागा सैयद रदी ने जमा की है, सहीफा सज्जादिया मौला ने खुद लिखवाई है। बहुत फर्क है, मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं। मौला सज्जाद ने खुद अपने बेटों को लिखवाई, दो नुस्खे बनाए, कभी ये दो नुस्खे हैं, दोनों बेटों को एक नुस्खा दिया, ए बेटा इमाम बाक़र का बेटा ये आप रखिएगा, मेरे शियों को मेरी ये दुआएं दे दीजिएगा, आम तौर से मेरे ये शिया दुआएं पढ़े। 60 दुआएं थी कुल, लेकिन तारीख में वो नुस्खे फिर ज़ाया हुए, कुछ लोगों ने वो कुछ सफहात फाड़ लिए, कुछ आगे पीछे हो गए, फिर 34 रह गई थी, फिर उलमा ने जमा किया, तकरीबन 54 के करीब हमारे पास अभी भी दुआएं मौजूद हैं चौथे इमाम में। इसे कहा जाता है, उलमा कहते हैं ज़बूर आले मोहम्मद। जनाब दाऊद को जो अल्लाह ने दुआएं नाजिल की थी, अल्लाह ने तौरात नाजिल की, ज़बूर, इंजील, कुरान, तवज्जो, अल्लाह ने 4 किताबें और 100 सहीफे नाजिल किए। चले थोड़ी सी आपके लिए फजाइल का एक जुमला पेश कर दूं ताकि फिर मुझे सुनाने में आसान हो जाए। 104 अल्लाह की तरफ से किताबें आई हैं, सहीफे और किताबें, कितने? 100 सहीफे, 4 किताबें, और उनमें सबसे अफजल है कुरान करीम। तो अब अल्लाह ने 100 सहीफे नाजिल किए, 4 किताबें। जनाब दाऊद पे जो अल्लाह ने किताब नाजिल, उसका नाम है ज़बूर। ज़बूर में दुआएं हैं, अंग्रेजी में कहते हैं साम्स। जो चर्च में आप कहते हैं ना कि तराने पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, जो वो गा के पढ़ते नहीं, वो सब के सब ज़बूर से होते। जो हजरत दाऊद जब वो पढ़ते थे तो बाकायदा परिंदे जमीन पे उतर आते थे। छठे इमाम की रिवायत है, जब 12वें इमाम आएंगे परिंदे को इशारा करेंगे, हाथ पे आके बैठ जाएंगे, सूखी हुई लकड़ी को जमीन में रखेंगे, वो हरी हो जाएगी। किसी बंजर जमीन से गुजरेंगे, वो जमीन अनाज उगलने लगेगी। जानवरों को इशारा करेंगे, इमाम के कदमों में आ जाएंगे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जिस नबी का 12वां लाल ऐसा हो, सोचे वो नबी कैसे होंगे। कभी कोई शक ना करे जब रसूल खुदा के मोजज़ात सुने। जब लोग मोजज़ात बात करते हैं, हम दौर, ये दौर बड़ा सख्त दौर है, इसमें अपने ईमान को महफूज रखें, बस कोशिश करें ईमान जाया ना हो। आखिरी जमाना है ना, कि जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होगा? ईमान को बचाना। सबसे मुश्किल काम ईमान को बचाना, सबसे आखिरी जमाने में। मौला क्या खाने को, मौला ने कहा बड़े हालात खराब होंगे, माली हालात खराब होंगे, जंगे होंगी, जाने जाएंगी, बीमारियां फैलेंगी, वबाएं फैलेंगी। का मौला सबसे मुश्किल काम क्या होगा? किसी ने सोचा होगा कि मौला कहेंगे भाई रोटी खाना, जान बचाना। मौला ने कहा नहीं, सबसे मुश्किल काम ईमान बचाना। जब मुसलसल आंखों के सामने जाने जाया हो रही हो तो इंसान का ईमान चला जाता है। रिस्क ना हो, इंसान का ईमान चला जाता है। अल्लाह खाना क्यों नहीं दे रहा, वो रज़ाक है क्यों नहीं देता। ये सारी चीजें इंसान के ईमान का इम्तिहान है। आखिरी जमाने में सबसे मुश्किल होगा विलायत के अकीदे को बचाना। मौला फरमाते हैं कुछ हमारे अपने होंगे जो तुम्हारी विलायत का अकीदा जाया कर देंगे, ऐसों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। भाई इसी मोहब्बत से चलिएगा। तो जो जुमला पेश कर रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि वाकई रहनों में है ना कि 100 सहीफे, 4 किताबें, अफजल तरीन कुरान। अल्लाह ने जिन जिन अंबिया को सहीफे दिए हैं पहाड़ों पे बुला के, इदरीस कूफे के पहाड़ पे आइए, आके सहीफा ले जाइए। इब्राहिम पहाड़ पे, सहूफ इब्राहिम व मूसा, जनाब इब्राहिम पे भी सहीफा आया है, आइए फलस्तीन के पहाड़ पे आके सहीफा ले जाइए। जनाब मूसा अलैहि सलाम से कहा कोहतूर पे आ जाओ, जनाब ईसा अलैहि सलाम से कहा जबल सईर पे आ जाओ, जनाब सारे अंबिया को पहाड़ों पे बुला के किताबें दी। सारे अंबिया को पहाड़ों पे, दुनिया से दूर होंगे तो मुझसे करीब होंगे। अल्लाह पहाड़ पे नहीं है, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, पहाड़ों पे बुलाया का जमीन से, मखलूक से दूर होके तो मुझसे करीब। मूसा नालैन भी उतार दो, वादी मुकद्दस में आयो, अब पहुंच रहे हैं। फखला नाले का या मूसा इन्नके बिवादिल मुकद्दस है, तो है मूसा आप वादी मुकद्दस में आ गए, तोआ की वादी में, कोहतूर पे आने वाले, नालेन उतारे, तवज्जो। लेकिन हबीब खुदा को नहीं कहा आइए कुरान देना। नहीं है मजमा। अपने हबीब से नहीं कहा ए हबीब आइए, कहा है मेरे हबीब जहां आप जाएंगे वहां कुरान आएगा। गारे हिरा में होंगे कुरान वहां आएगा, मक्के में खदीजा के घर होंगे कुरान वहां, अबू तालिब के घर में होंगे कुरान वहां, फातिमा की चादर तले होंगे कुरान वहां, अली हाथों पे होंगे कुरान वहां, हसनैन कांधों पे होंगे कुरान वहां। तवज्जो फरमा रहे भाई, मैंने अभी भी मुकम्मल नहीं किया है। ऐ मेरे हबीब आपको कभी नहीं बुलाऊंगा किताब देने के लिए, अफजल तरीन किताब आपकी कुरान, अफजल तरीन किताब आपको, अफजल तरीन किताब दी, तवज्जो अफजल तरीन दिन दिया, जुमे का दिन अफजल तरीन दिन। ऐ मेरे हबीब अफजल तरीन दिन आपका। मैंने मूसा को हफ्ते का दिन दिया, ईसा को इतवार का दिन दिया, दाऊद को मंगल का दिन दिया। सारे अंबिया कहते रहे परवरदिगारा सबसे अफजल दिन जुम्मे का करना ही मेरे मोहम्मद के लिए है। अभी भी सारा मजमा नहीं है, कुछ मेरे भाई पहुंच गए। ए मेरे हबीब अफजल तरीन किताब आपको दी, अफजल तरीन दिन आपको दिया, अफजल तरीन रात शब कद्र आपको दी, तवज्जो अफजल तरीन किबला खाना काबा आपको दिया। तवज्जो इब्राहिम ने बनाया था फिर भी कहा नहीं किबला मेरे हबीब का नहीं है मजमा। बनाया इब्राहिम ने कहा नहीं बैतुल मुक़द्दस, सबका किबला बैतुल मुक़द्दस, मेरे हबीब का किबला खाना काबा। अभी भी सारा मजमा नहीं है, मेरे हबीब अफजल तरीन भाई आपको दिया। कुछ लोग पहुंच गए। मेरा दिल कहता है जनाबे यूसुफ कयामत के दिन कहेंगे परवरदिगारा 11 भाई न देता, अगर अली नहीं देना था तो अब्बास ही दे देता। रोजे में मैं इतना जोर लगा रहा हूं, इसी मोहब्बत से चलिएगा, मैंने मुकम्मल नहीं किया, मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने अफजल तरीन बेटी रसूल खुदा को दी, अफजल तरीन नवासे रसूल खुदा को दिए, लेकिन अल्लाह ने कभी नहीं कहा ऐ मेरे हबीब किताब आके लेके जाइए, आयते पहाड़ पे आके लेके जाइए, जहां आप जाएंगे किताब वहां आएगी। मजमा मेरे साथ रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप सफर में होंगे किताब वहां आएगी, आप जंग में होंगे किताब वहां आएगी, आप ऊंटनी पे सवार होंगे किताब वहां आएगी, जहां आप जाएंगे किताब वहां। लेकिन मेरे हबीब दो चीजें लेने आप आइएगा, जब खदीजा से शादी होगी तो आप आएंगे, और जब अली को मांगेंगे तो काबे में। तो फरमा रहे, मैंने कहा था कि मैं सारी तबहीद मांग रहा हूं ताकि मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं। वो दुआ सुन लीजिएगा जिस मोहब्बत से ये सब कुछ सुना है। अल्लाह निशानियां भेजता रहता है, निशानियां अल्लाह की तरफ से आती है। मां नंसख मिन आयतिन और उनसे हनात बिखैर मिनहा और मिसलिहा, हम कभी भी कोई आयत नहीं उठाते, मनसूख नहीं करते, जब तक कि वैसी ही आयत या उससे बेहतर आयत भेज ना दे, या उससे बेहतर या वैसी ही आयत भेज दें। अल्लाह निशानियां भेजता रहता है। दो तरह की निशानियां होती है, एक इबरत के लिए, सारा मजमा नहीं है, सारा मजमा नहीं है, कुछ मेरे भाई पहुंच गए। दो तरह की निशानियां, एक खैर के लिए, दूसरी इबरत के लिए, एक भलाई के लिए, दूसरी इबरत के लिए। भाई अगर बुरा करोगे तो ये होगा, अच्छा करोगे तो ये होगा। अब समझ में आ रहा है, जब अल्लाह ने कुरान में बुरे की निशानी बताई तो आपके सामने आयत पढ़ दूं, सूरह यूनुस 10वां सूरा, 3 आयात है, सारी नहीं पढ़ रहा, आखिरी सुन लीजिए, आयत नंबर 92। अब मैं सारी पढ़ना चाह रहा था लेकिन वक्त की वजह से। अल्लाह कह रहा है कि जब एक मर्तबा फिरौन को अल्लाह ने कहा ना मैं वजावज़ना बनी इसराइल, अब सारी आयतें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि आप हजरात बाज़ात मुझे वो मजबूर कर देते हैं। तो अल्लाह कह रहे मैंने बनी इसराइल को नील के पार पहुंचा दिया, वजावज़ना बनी, हमने सारे बनी इसराइल को। जैसे ही फिरौन और उसकी फौज आई, सबने कहा हमला करो, ये जा रहे हैं तो हम भी इनको इसी नील में मार देंगे। फ़अदरकहुमुल गरक़, अल्लाह कहता है मैंने गर्क कर दिया, बनी इसराइल को पार लगा दिया, फिरौन और उसकी फौज को गर्क कर दिया। तवज्जो, आया पानी, सैलाब आया, उन्हें डुबो दिया, फिरौन के साथ जितने थे सब बुरे नहीं थे। आप लोग तो परेशान हो गए, क्या सारे चोर थे, डाकू थे, पाकिस्तानी सियासतदान थे? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अजीज़ान गिरामी, क्या फिरौन के साथ सारे चोर थे? नहीं। क्या सारे डाकू थे? नहीं। उनमें कुछ अच्छे भी थे लेकिन सब डूब गए। जनाब मूसा के साथ जितने थे सब अच्छे थे? नहीं। उनमें गुनाहगार भी थे। बाद में बछड़े को किसने पूजा? उन्हीं ने। हारून का साथ किसने छोड़ा? उन्हीं ने। तवज्जो, अब पता चला अपना किरदार काफी नहीं, इमाम सही होना चाहिए। अब मेरी बात पहुंच गई ना? लेकिन जब तक इमाम सही ना हो, आपके अपने जितनी भी नेकियां हो आपको डुबो देंगी, गर्क कर देंगी। इमाम सही होना चाहिए, और अगर थोड़ी कमी भी रह जाए तो इमाम ले जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ऐसा निगरानी, तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन जिसे मैं पेश करना चाह रहा था दोबारा सुन लीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निशानियां भेजी हैं। अभी मम्मी समझते हैं, एक तो मम्मी माँ को भी कहते हैं इंग्लिश में, वो नहीं। हाँ, मम्मी ये जो मुर्दों को प्रिजर्व करते थे बनी इसराइल, यानी कहने के मिस्री, तो क्या करते थे कि वो कुछ चीज़ें आज़ा वगैरह निकाल देते थे, कुछ चीज़ें उस पर लगा देते थे और वो प्रिजर्व कर देते थे, वो पट्टियाँ बांध के, और वो जिस्म एक 1000 साल बाकी रहे। अंग्रेज जो है, अमेरिकन, बरतानिया के लोग निकाल के कुछ मम्मीज ले गए अमेरिका। वो कह रहे थे कि जो इससे अच्छा रेफ्रिजरेटर दुनिया में नहीं है। फ्रीजर्स होते हैं ना, तो उन्होंने बॉडियों को रेफ्रिजरेट किया। वो कहते हैं जैसे अमेरिका ले गए फिरौन का, फिरौन की मम्मी को ले गए, मिल गई थी ये मम्मी है फिरौन की। पता चला ये रमसीस, रमीज उसका नाम था, फिरौन जो आखिरी फिरौन था, कि फिरौन टाइटल था। सारे के सारे बादशाहों को फिरौन ही कहा जाता था, इसलिए उसकी जमा है फराइना। तो आखिरी जो फिरौन था जो डूब के मरा है, वो उसका नाम रमीज था। अब मेरा गला जो है वो साथ नहीं दे रहा। तो रमीज का जो है उन्होंने जसद निकाला और वो ले गए अमेरिका, और उन्होंने कहा इस पे सारे टेस्ट होंगे, पता चलेगा क्या कितना साल पुराना है। तो उन्होंने कहा ये कई हजार साल, इतने हजार साल इसकी मियाद है। अब आपको पता है ना कि कुरान करीम में आए थे कि हमने उसे गर्क कर दिया, और बाइबल में है कि नहीं फौज डूबी थी, फिरौन वापस महल में गया, तख्त पे बैठा था कि वहां पे हार्ट फेल हो गया है, जो भी हुआ मर गया वहां। फिर उसको जो है उन्होंने बाद में मम्मी बना दी, और कुरान वाज़े अल्फाज में कह रहा है कि नहीं गर्क हो गया। क्या बात है। तो अब जैसे ही वो लेके गए अमेरिका उसकी मम्मी को, तो उन्होंने कहा भी अभी टेस्ट कर लेते हैं, अभी इसके हम पेट से कुछ निकालेंगे चीजें और हमें अंदाजा हो जाएगा कि पानी में डूब के मरा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो अब सारी दुनिया परेशान, वो कह रहे थे ये फिरौन की तहकीक नहीं हो रही, बाइबल और कुरान का मुकाबला हो रहा है। बाइबल को लोगों ने बदल दिया था। मुसलमानों का क्लेम ये है, चैलेंज ये है कि कुरान बदला नहीं गया, बाइबल भी अल्लाह का कलाम थी। ऐसा ही है, इंजील भी अल्लाह का कलाम था ना, लेकिन बदल दिया, तहरीफ हो गया। कुरान है, कलाम है, बदला नहीं। एक मर्तबा उन्होंने टेस्ट किया का डीएनए में आया है ये पानी पी के मरा था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जो लोग पहुंच गए। तो कुरान करीम में है कि जब एक मरतबा फ़िरऔन ने कहा ना कि काला आमंतु बिल्लज़ी, मैं ईमान ले आया जो जिसपे बनी इसराइल ईमान ले के आए थे, और वाना मिनल मुस्लिमीन, मैं भी मुसलमानों में से हो गया। तो अल्लाह ने कुरान में कहा आलान वक़द असैता, अब पहले से तो गुनाह कर रहा था क्या अब ईमान लेके आ रहा, वकुंता मिनल मुफ़सिदीन, तू फसाद करने वालों में से। अब डूब गया जनाब मूसा ने एक मर्तबा उसके चेहरे पे पाँव रखा, डूब गया। तवज्जो, पता चला आखिरी वक्त में बड़े बड़ों को पछतावा होता। फ़िरऔन भी डूबते में ईमान ला रहा था और बहुत से मरते हुए कह रहे थे आकाश में आग ना लेके गया। पता नहीं वो पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। मैं बहुत सी बातें कह रहा हूं, आप लोग शुक्र है पाकिस्तान में ये तो पर्चा कर चुका हो तो बात है कि रामी। अब ये जो मुझे दलील पेश करना थी ये मैं मुकम्मल करना चाहता हूं ताकि मैं फिर वो आयात पेश कर सकूं जो दुआ मैंने वादा की थी। आइए जरा बस ये एक आयत सुन लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम के अंदर, फल्यौम नुनज्जी का, आज हम तुझे बचा लेंगे, नजात नहीं देंगे यानी आखिरत में नहीं, बदन का, किस चीज की नजात देंगे, तेरे बदन को बचा लेंगे, ले तकूना लिमन खल्फका आयतन, ताकि तू अपने बाद वालों के लिए अल्लाह की निशानी बन जाए। मैंने पहले कहा था दो तरह की निशानियां, मेरे बहुत से भाई बच्चे पहुंच गए, दो तरह की, कुछ खैर की कुछ इबरत की। अल्लाह ने कहा देखो मैंने फ़िरऔन को आज तक बचा के रखा है, तुम देखते रहो जो अल्लाह से लड़ता है ये होता है, चाहे फ़िरऔन हो चाहे अबू जहल। अल्लाह ने जो अल्लाह से लड़े मुकाबले पे उतर आए। अल्लाह निशानियां बना देता है, निशानियां आज तक बाकी हैं। अगर गला मेरा थोड़ा सा साथ दे देता तो मैं और, लेकिन सुन लीजिए निशानी, उन निशानियों में से एक निशानी है चांद। आप जानते हैं रोजे की हालत में मैं इतना जोर लगा रहा हूं सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की खातिर। तो मैंने जहां पे मुकम्मल किया था बात को वो सुन लीजिए, जो लोग ताखिर से आए हैं वो बाद में ऑनलाइन सुन लीजिएगा, मैंने पूरा जोर लगा के फजाइल पढ़ दिए हैं। तो अब यहाँ पे इमाम सज्जाद की मैंने जुमले को पेश किया था कि अय्युहल खल्कुल मुती, जहाँ आपको याद है कल मैंने जो पेश किया था, इमाम ने फरमाया जब चांद को देखते थे तो ये दुआ पढ़ते थे। चौथे इमाम, दुआ नंबर 43 43 सहीफा सज्जादिया में, इसे ज़बूर आले मोहम्मद कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ने जनाब दाऊद पे ज़बूर नाजिल की थी और इमाम सज्जाद ने जब दुआएं मांगी तो सहीफा कामिला सज्जादिया बनी। नहीं है सारा मजमा, सारा मजमा नहीं है, अल्लाह ने उन पे दुआएं नाजिल की थी। यहां मौला सज्जाद ने खुद दुआएं मांगे। उन दुआओं को पढ़ें, इन दुआओं को पढ़ें। जामिअतुल अज़हर के एक बहुत बड़े मुफ्ती ने सिर्फ दुआए मकारिम वल अखलाक पे आर्टिकल लिखा है। वो कहता है कि चौथे इमाम की इस दुआ को पढ़ने के बाद पता चलता है आले मोहम्मद का इस कायनात में कोई सानी नहीं। अजीब गरीब दुआ। अब ये दुआ अब मैंने ये इतनी तमहीद बांधी है ताकि मैं ये जुमले इमाम की आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। और यकीन मानिए जब मैं ये जुमले पढ़ता हूँ, मैं कितनी मरतबा पढ़ चुका हूँ, लेकिन हर दफा एक नई ताजगी महसूस होती है। सुनिए जुमले इमाम फरमाते हैं, ये जुमला पहला कि तू एक अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो अल्लाह का मोती है, फर्मा बरदार। कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह के चांद निकला ना निकले, नहीं है मजमा। ये इंसान ही है जिसे अल्लाह कहता है फजर हो गई उठ जा। क्या बात। कभी परिंदे ऐसा नहीं करते कि रात में तूफान आया था हमारे घोंसले टूट गए। ये मौला अमीर क्या फरमान है, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। मौला अमीर क्या मौला फरमाते हैं, मुझे चिड़िया बहुत पसंद है, रात में तूफान आता है, तिनकों के उनके घोंसले बने हुए होते हैं और सारे घोंसले उनके उड़ जाते हैं, तिनके टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन सुबह उठ के कभी चिड़िया ये नहीं कहती अब क्यों तेरी तस्बीह करें, रात को तूने घर उजाड़ दिया, तूने तूफान चलाया था परवरदिगारा। मौला फरमाते हैं फिर भी जब फजर का वक्त होता है सारी चिड़िया चहचहा के बताती हैं सुब्बुहुल कुद्दूस, तस्बीह तेरी ही है, तकदीस तेरी ही है। भाई ये जुमले जिस मोहब्बत से आप समझा, मैं ममनून हूं आपका, आपके दिलों पे जो असर हो रहा है। लेकिन आमीन। मौला फरमाते हैं चिड़िया अजीब गरीब है। अब इमाम के फरमा रहे हैं चौथे इमाम अय्युहल खल्कुल मुती, अल्लाह के फरमा बरदार मखलूक, ऐ चांद कभी ताखीर नहीं होती पहली, जब अल्लाह कहता है आज पहली है तो चांद हो जाता है। हम समझने में धोखा खा सकते हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, कभी चांद धोखा नहीं खाता। भाई अब ये सारे मैं जुमले नहीं पढ़ रहा हूं, तो अब ये जुमले सुन लीजिए। आमन तो बिमन नव्वरा बिखत वलम, मैं उस खुदा पे ईमान रखता हूं जिसने तेरी वजह से तारीकियों को नूर बख्शा, वाह बिकल बहम, और जितनी भी ढकी छुपी चीजें थी उन सबको अल्लाह ने रोशन कर दिया। रात में आप जानते हैं ना कि ये चीजें नजर नहीं आती। मैं अब ये पढ़ना नहीं चाह रहा था, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। बास बारीकी खुदा की कसम मिंबर पे इमाम से आता हो रही है। कुछ परिंदे जानवर, ज्यादातर परिंदे जानवर हैं, दिन में खाते हैं, रिस्क तलाश करते हैं और रात में सोते हैं, और कुछ दिन में आराम करते हैं और रात में शिकार करते हैं, रिस्क के लिए निकलते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, बताने की जरूरत है, वजाहत की जरूरत है। चूहे मिसाल के तौर पे रात में निकलते हैं, उल्लू रात में निकलता है, चमगादड़ रात में, बहुत से बड़े बड़े जानवर परिंदे रात में निकलते हैं, बहुत से दिन में। जो दिन में निकलते हैं उनके लिए सूरज, जो रात में निकलते हैं उनके लिए चांद। उनकी आंखें ऐसी होती हैं सूरज में देख नहीं पाती, उन्हें चांद चाहिए होता है। अल्लाह को पता है किसे सूरज चाहिए किसे चांद। अभी भी मजमा नहीं है, कुछ को मोहम्मद की जरूरत होती है, कुछ को अली की। अज़ान के नामी ये सारी कायनात मुनव्वर है। आलम अब वहां पे इमाम फरमाते हैं वजाला का आयत मिन आयात मुल्क, और अपने अल्लाह ने मुल्क मलकूत की निशानियों में से एक निशानी है चांद तुझे बनाया। ये सारा मुल्क मलकूत अल्लाह का है। कुरान करीम में आयत है सूरह आल इमरान में। जब मैं इमाम की दुआ पढ़ता हूं और आप नहीं बोलते तो फिर मुझे वजाहत के लिए कुरान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कुरान की वजाहत के लिए मासूम का कलाम, मासूम के कलाम की वजाहत के लिए अल्लाह का कलाम। तो कुरान करीम में अल्लाह सूरह आल इमरान में फरमाता है कुल ए मेरे हबीब यूं कह दीजिए कुल अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, तू ही उस मुल्क व मलकूत का मालिक है। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, तू जिसे चाहे हुकूमत दे दे, जिससे चाहे हुकूमत छीन ले। वह तो इज्जो मंतशा ओ वह तो दिल्लो मंतशा, जिसे चाहे इज्जत दे जिसे चाहे जिल्लत दे। नहीं है मजमा, कुछ लोगों को अल्लाह हुकूमत दे के इज्जत देता है, कुछ से हुकूमत छीन के इज्जत देता है। नहीं है सारे लोग, कुछ मेरे भाई पहुंच रहे हैं, सारा मजमा नहीं है, मैं जोर नहीं लगाना चाह रहा। कुछ को अल्लाह हुकूमत दे के मनसब दे के इज्जत देता, जब वो अदलो इंसाफ करते हैं उनके लिए इज्जत का सबब बनती है। कुछ को हुकूमत दे के जिल्लत देता, वो चोरी करते हैं, गासिब करते हैं। पता नहीं लोग हैं ये नहीं। गासिब को अल्लाह जिल्लत देता, फिर अल्लाह कहता है वह तो इज्जो मंतशा व तो दिल्लो मंतशा, कुछ से हुकूमत छीन लेता, हुकूमत नहीं दूंगा, तुम बगैर हुकूमत के ही इज्जतदार हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कोई बोरिया नशीन होता है, अबा में पैबंद होते, फिर भी वो अमीर होता। कोई खलीफा बन के भी जलील होता। तवज्जो फरमाई जाने के नाम और मैं जुमलों की मौला अमीर अलहबी मौला सज्जाद के जुमले खुदा की कसम एक एक जुमले को सोने के पानी से लिखें आपको अंदाजा हो। मैं जुमलों की वजाहत में एक जुमला पेश करूंगा, आज मेरा पूरा इरादा मैं इसे मुकम्मल कर दूं क्योंकि जो मजमून है जहन में वमतहाना का बिज़्यादत व नुकसान व तुलू वल उफूल, अल्लाह ने तुझे ऐसी हालतें दी हैं कभी तू बढ़ता रहता है कभी तू घटता रहता है। जब अल्लाह तुझे कहता है कि तुलू कर जा तो तुलू कर जाता है, जब अल्लाह कहता उफुल यानी डूब जाना तो अल्लाह कहता है कि तू डूब जा तो डूब जाता है, कभी नहीं कहता क्यों। कई जानवर परिंदे ऐसे ही होते हैं, आप बकरियां चराने जाए ना तो कभी बकरियां नहीं कहती आज तो मैंने घास नहीं चरा, आज तो मुझे दाना नहीं मिला था, मैं घर नहीं जाऊंगी। नहीं है लोग, आप अगर बकरियां चरा रहे हो ना तो बकरियां यही समझती है यही मालिक है, एक आवाज पे आ जाती है। नहीं अभी भी मजमा, बकरियां भेड़े गाय भैंसे ऊंट चराने जाए मालिक की एक आवाज पे आ जाते हैं। ये इंसान है कि बार बार अल्लाह कहते हैं हय्या अलस्सलाह, ये फिर भी नहीं आता। मखलूकात सारी एक आवाज पे लब्बैक कहती हैं। आप सलामत रहे के नामी इमाम फरमाते हैं वल इनारत वल कुसूफ फी कुल्ल ज़ालिका अंता लहू मुती। अल्लाह जब कहता है चमक तो तू चमकता है, अल्लाह कहता है ग्रहण लग जा, ग्रहण लगता है ना चांद ग्रहण, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब अल्लाह मुफ्ती जाफर साहब कहते हैं कि तू गहना देता है, उनकी उर्दू और ज्यादा लतीफ है, वो लखनऊ के पढ़े हुए थे। तो के नामी अल्लाह कहता है जब अल्लाह चमकने को कहे ना तो तू अपनी आबोताब में चमकता है, और जब अल्लाह कहता है नहीं तुझे गहन लग जा तो तेरा ये चांद ग्रह कुसूफ और खुसूफ ये जो निशानियां, मौला फरमाते हैं ये भी अल्लाह की निशानी है। मजमा नहीं है नमाज आयात आया, जब अल्लाह निशानियां भेजे तो नमाज आयात पढ़ो, सूरज को ग्रहण लगे तो नमाज आयात पढ़ो, चांद को ग्रहण लगे नमाज आयात, जलजला आए तो नमाज आयात, आंधी चले जो सबको डरा दे तो नमाज आयात। ये निशानियां है, अल्लाह नाराज है तो तलाश करो ना नाराज क्यों है, कहीं मैं तो सबब नहीं हूं। मौला फरमाते हैं जलजले ज्यादा कब आते हैं जब जिना बढ़ जाता है, मुख्तलिफ गुनाहों के निशान है, अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। बस अब वक्त नहीं है तफसील का, वक्त तमाम हो रहा, बल्कि मौला फरमाते हैं इन तमाम चीजों में ऐ चांद तू अल्लाह का फर्मा बरदार है, वो जो तुझे कहता है तू कहता रहता है। सुबहाना मा अजब मा दब्बर फी अम्रिका वालता, अब तफसील है दुआ में। अब इमाम फरमाते हैं आखिरी दुआ का जुमला सुन लीजिए, सब हाथों को बुलंद करके इमाम के इस जुमले पे आमीन कहेगा। फअसअलुल्लाह रब्बी व रब्बक, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, सवाल कर रहा हूँ जो मेरा भी रब है तेरा भी। पता नहीं लोग है या नहीं, बस इमाम मासूमी को हक है कि जो चांद से ऐसे बात करे। नहीं है मजमा, जब लोगों ने कहा ना मोहम्मद हनफिया इमाम है, हसन के बाद हुसैन इमाम थे, भाई इमाम थे, तो हुसैन के बाद मोहम्मद हनफिया, और मौला खुद फरमा गए थे मेरा जानशीन मदीने में मेरे पीछे मोहम्मद हनफिया। मोहम्मद हनफिया जो बार बार कह रहे हैं ना सज्जाद को इमाम मानो, इसलिए क्योंकि वो मजलूम लुट के आए हैं, इसलिए वो कहते हैं। अब इमाम सज्जाद के पास आए हजरत मोहम्मद हनफिया, क्या कहूं मैं लोगों को कहते रहो मुझे ना मानो ये इमाम है, लोग नहीं मानते। का चचा मजमे से कहिए मैं और आप साथ चलेंगे, मक्के चलते हैं, हजरे अस्वद से गवाही मांगते हैं, जिसकी वो गवाही दे वो इमाम है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। रिवायत में है कि सब सारा मजमा जो इमामत का चाहने वाला था वो सब एक मतबा मदीने से उठा, पूरी जगह ऐलान हो गया दोनों मक्के जा रहे हैं। मक्के पहुंचे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा चाचा जान पहले आपकी बारी। हजरत मोहम्मद हनफिया आए, आके हजरत को चूमा और एक मरतबा चूमने के बाद खड़े रहे। कहा भतीजे क्या करूं, कहा कुछ भी नहीं वापस आ जाइए। एक मरतबा का चाचा जान अब मेरी बारी, मजमे से कहिए मेरी बात को सुने। सारा मजमा तवाफ रोक के सुनने लगा। चौथे इमाम गए, बोसा दिया, कहे अल्लाह के भेजे हुए मुतबर्रक पत्थर गवाही दे मैं कौन हूं। सारा मजमा सुन रहा था, हजरे असवद से आवाज आई ए हुज्जत खुदा तुझ पे सलाम। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मैं आप पे सलाम करता हूं, आपकी इमामत को मानता हूं, आपको हुज्जत खुदा मानता हूं। अजीजान गिरामी, आखिरी जमाने में जब 12वें इमाम आएंगे तो फरिश्ते भी गवाही देंगे। रिवायत में है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे पहले बैअत करेंगे और हाथों को चूम के कहेंगे ये हुज्जत खुदा। वक्त तमाम हो गया। इमाम फरमा रहे हैं मैं अल्लाह से सवाल कर रहा हूं जो मेरा भी रब है तेरा भी, व खालिकी व खालिकक, जो मेरा भी खालिक है तेरा भी, व मुकद्दरी व मुकद्दरक, जिसने मेरी भी तकदीर लिखी है तेरी भी, व मुसव्विर व मुसव्वरक, जिसने मेरी भी शक्ल सूरत बनाई है तेरी भी। बस ये इमाम हुई को हक हासिल है जो चांद से ऐसे कलाम करे। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहुंच रहे। फिर इमाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह से क्या सवाल कर रहा हूं। सवाल क्या है जिसके लिए मैं कह रहा था हाथों को उठा के कहिएगा अय्युसल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, के परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेजे। वाह ये ज्यादा कहा मुकम्मल करूंगी सब के परवरदिगार ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेज। वजाला का और चांद अल्लाह तुझे क्या बनाए हिलाला बरकत, अल्लाह तुझे बरकत वाला चांद करार दे। ला तमहल अय्याम व तहारत ला तदनसुल आनाम। इमाम कहते हैं कि तू बरकत वाला हो, तेरे साथ कोई आफात ना आए, हमेशा सलामती रहे। मेरे सयाद हिलाला सादिन ला नहसिन, तू साद अच्छाई वाला खुशकिस्मती का चांद हो, नहस ना हो। इसका मतलब है चांद भी नहस हो सकते हैं। एक चांद उभरता है किसी की शहादत है, ये चांद खुद खबर दे रहा है। रिवायत में है कि आशूरे से पहले जो चांद निकला था वो सुर्ख था। वो चांद रो के बता रहा था जो दिन आने वाले हैं वो नहस दिन है, इसमें कोई नबी की आगोश में पलने वाला जिदा किया जाएगा। भाई माह रमज़ान है, इन अय्याम में मैं जानबूझ के कोशिश करता हूं कि लाजमी तौर पे मसाइब पढ़ूं। अगर दिल नरम ना हो तो तौबा कबूल नहीं होती। सबसे बड़ी हमारे लिए जो हमारे पास सहारा है ना वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का है। इनके मसाइब पे जो आंसू बहते हैं वो रोज़े क़यामत आपकी शफाअत का सबब बनते हैं। मैं जानता हूँ लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, मुझे बताया कि बाज़ों का सवारी भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी तन्हा होते हैं ना, साथ में माएँ बहनें तो पैदल नहीं चलती। और अगर कोई इमाम धोतियों के साथ माओ बहनों के साथ कूफे से शाम गए हो, आप तसव्वुर कर सकते हैं चौथे इमाम की क्या हालत होगी। अज़ीज़ान गिरामी, आप ये हमेशा जुमला सुनते हैं कि जब मदीने में किसी ने पूछा मौला इतने मसाइब आए सबसे सख्त वक्त कहाँ था, इमाम ने रोते हुए चीख के कहा अशाम अशाम अशब। मौला बाजार तो कूफे में भी था लेकिन ये शाम के बाजार में क्यों ज्यादा रुलाया। सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरी तरफ, अगर देख सके देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा शाम चलिए। मौला बाजार तो कूफे में भी था, तो मौला फरमाएंगे कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, कूफे वालों को पता ही नहीं चला था कि हुसैन मारे गए, वो खुशियां नहीं मना रहे थे। लेकिन जब हम शाम पहुंचे शाम का बाजार सजाया गया था, नारे लगाए जा रहे थे, बागियों की बहनें आ गई। मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर देख सके मेरे तरफ देखिएगा, मैं माफी मांग के जुमला कह रहा हूं, मेरा रोजा मुझे माफ कर दीजिएगा, सख्त जुमला नहीं कहना चाहता। जानते हैं बाजार सजा के कुछ ऐसे लोगों को लाया गया था, आपकी जबान में कहा जाता है ना बदमाशों को लाया गया। जब वहां पे खवातीन नाच रही थी ना तो वो एक ही जुमला कहती थी बागी मारे गए। जनाबे ज़ैनब नाका पे सवार थी, नाका से बीबी रो के कहती थी बागी नहीं मेरा भाई नवासा रसूल। अजरकुम अल्लाह, मैं नवासा रसूल की बहन हूँ। वहाँ मजमा बहुत अजीब था। सातवें इमाम से, पांचवें इमाम से रिवायत है, खवातीन बाला खाने से गर्म पानी फेंक रही थी, मर्द पत्थर मार रहे थे, और हम आले मोहम्मद, मेरी फुफिया नाका पे थी। अगर देख सके तो देखिएगा, पत्थर अगर कोई नीचे हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है, मजमा ज्यादा है, मार नहीं सकते, लेकिन अगर कोई पुश्ते नाका पे हो तो सब देख के पत्थर मार रहे थे। जब पत्थर आते मौला सज्जाद एक मरतबा रो के फरमाने लगे, बाबा कुरान की तिलावत कीजिए, ये मजमा आपको देखे, मेरी फुप्पियां गुजर जाए। मौला हुसैन ने कुरान की तिलावत शुरू की। एक आदमी ने आवाज दी, ओ लोगों देखो, सर नेजे पे कुरान की तिलावत कर रहा है। एक आदमी आया इमाम सज्जाद से, कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस खुदा की जिसने आपको उजाड़ दिया। इमाम ने कुरान की आयत की तिलावत की। उसने कहा, ए कैदी, ये तो आले मोहम्मद की शान में आयत नाजिल हुई है, आपने इस आयत की तिलावत क्यों की? इमाम ने कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबकुमुर-रहमान। कैदी, ये आयत भी आले मोहम्मद की शान में है। इमाम ने 7 आयत की तिलावत की। वक्त तमाम हो गया, 7 आयात की तिलावत की। अब वो रोने लगा। कैदी, क्या बात है, आप इन आयात की तिलावत क्यों कर रहे हैं जो आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई हैं? मौला सज्जाद ने फरमाया, तू अभी भी नहीं समझा, हम बागी नहीं, हम आले मोहम्मद हैं, हम अहले बैत रसूल हैं। उसने रो के कहा, मुझे माफ कर दे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबून। हाथों को बुलंद कीजिए। उसने इमाम सज्जाद से बस एक ही जुमला कहा, मौला ए सज्जाद, आप कौन हैं? मौला ने फरमाया, तूने नाम सुना है हुसैन इब्ने अली का? कहा, वो नवासा रसूल थे। मैं कलमा गो हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जानता हूँ हुसैन, हसन हुसैन भाई थे रसूल खुदा के नवासे। तो मौला ने रो के कहा, अना इब्नो बिनते मोहम्मद, मैं रसूल खुदा की बेटी के बेटे का बेटा हूँ। उसने रो के कहा, हमें तो बताया गया था बागियों का काफिला होगा, हमें नहीं पता था आप आले रसूल हैं। मौला ने फरमाया, वो जो सर देख रहा है ना, जो कुरान पढ़ रहा है, वो मेरे बाबा है, वो हुसैन इब्ने अली है, वो रसूल के नवासे हैं। उसने रोना शुरू किया, इमाम के कदमों में गिरा। देखिएगा, मेरी तरफ हाथ बुलंद कर लीजिए, बस मैं दुआ कराना चाहता हूँ। जैसे ही वो रोने लगा ना इमाम के कदमों को, कहा, मुझे माफ कर, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? ऐ फर्जंदे रसूल, आप आले रसूल हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने आपकी गुस्साखी की। इमाम ने कहा, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, लेकिन एक मेरी बात मानेगा? कहा, मैं हर बात मानूंगा। कहा, जहां जाएगा ना लोगों को बता, ये बागी नहीं है, ये आले रसूल है, ये मोहम्मद की आल है, रसूल खुदा की आल है। कल लोगों को बता, हम अहले बैत हैं। कहता था, उन लोगों को पत्थर ना मारो, ये आले रसूल है। परवरदिगारा, असीराने करबला का वास्ता, जितने यहाँ पे मोमिन मोमिनात मौजूद हैं, किसी की दुआ को रद्द ना फरमा, सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। परवरदिगारा, बेरोजगारों को रोजगार इनायत फरमा, जिनके रिज्क में तंगी है वुसअत इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्जे अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, जो अपने खानवादों से दूर है उन्हें खानवादों से मिला, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, गजा में रफ़ा में हालात ख़राब है, बेहतर फरमा। परवरदिगार, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में हालात ख़राब हैं, यमन में, बहरीन में, और परवरदिगार जहां जहां हालात खराब है सबकी हिफाजत फरमाओ, जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द ना फरमाओ। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज्जत व जलाल का, इस महीने में हमारे सारे आमाल कबूल फरमाओ, हमारी इबादत कबूल फरमाओ, हमारी नमाजें रोजे कबूल फरमाओ। परवरदिगारा सबके रिज्क में वुसअत इनायत फरमाओ। बहुत से लोगों ने इल्तिमास से दुआ की है, सबकी दुआएं फरमाओ। अपनी दुआएं जहन में लेके आइएगा। परवरदिगारा खास अगर किसी की दुआ है, कोई बहुत परेशान है, तुझे वास्ता उन असीर बीवियों का जिनके कदम जख्मी थे। परवरदिगारा उन जख्मी कदमों का वास्ता किसी को बगैर दुआ की इस्तिजाबत के वापस ना लौटा। साहिब-उज़-ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमाओ। दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान इस्लाम को नीस्त तो नाबूद फरमाओ। परवरदिगारा जंगों का खात्मा फरमाओ, दहशतगर्दी का खात्मा फरमाओ। जो हाथ बुलंद है किसी को खाली ना लौटा। तमाम मरीजों को शफाए कामिला अजला इनायत फरमाओ। साहिब-उज़-ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमाओ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। एक सूरह फातिहा और 3 सूरह इख़लास हाज़िरीन के तमाम मरहूमीन के लिए, ख़ास तौर से जिन्होंने इफ्तार का अहतमाम किया उनके लिए। बिस्मिल्लाह।